हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है रेडमी के 30 प्रो। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ फ्रेंड नोटिफिकेशन रिंगटोन को कैसे चेंज करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज की वीडियो में यही सीखेंगे। और फ्रेंड, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में आप बड़े आसानी से नोटिफिकेशन रिंग को चेंज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है नोटिफिकेशन रिंगटोन। तो आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा क्योंकि हर एक फ़ोन में सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, लेकिन फ्रेंड किसी किसी में नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ऊपर की ओर क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर की ओर करने के बाद आपको क्या करना है, साउंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड। साउंड पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन देख सकते हैं, टून्स लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे से जो भी आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन चाहिए तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन में कोई अपना फेवरेट सिंगर का सॉन्ग लगाऊं तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल रिंगटोन, तो यहाँ पे क्लिक करना है। आपको नेट को ओपन कर लेना है, जब ही जाके ये जो है ऑल रिंगटोन के अंदर आप आ पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसी तरह से कोई सा भी रिंगटोन लगा सकते हैं, या आप चाहते हैं फेवरेट सिंगर का आप यहाँ पे नाम डाल दें। नाम डालने के बाद आपका यहाँ फेवरेट सिंगर का आ जाएगा। तो अब इस पर जो टून का घंटी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है सिलेक्ट दस रिंगटोन जो है इस पर ओके कर देना है, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये आपका ऑलरेडी ये देख सकते हैं ये हो चुका है, नोटिफिकेशन में लग चुका है रिंगटोन, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।